क्या आपने कभी किसी ऐसे मिशन के बारे में सुना है जिसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्पेस पर भेजा जा रहा है? हाई प्रोबेबिलिटी है कि नहीं सुना होगा, पर कोई नहीं, मैं हूं ना। आज मैं आपको एक ऐसे ही एस्ट्रोबायोलॉजी मिशन के बारे में बताने वाला हूं। बायो सेंटिनल एक ऐसा ही एस्ट्रोबायोलॉजी मिशन है जिसमें पहली बार यीस्ट को डीप स्पेस में भेजा जा रहा है ताकि स्पेस रेडिएशन का डीएनए पर क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज को मेजर किया जा सके। अपोलो 17 के बाद नासा का यह पहला ऐसा मिशन होने वाला है जिसमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर डीप स्पेस पर भेज रहा है। इस मिशन के कई सारे इंटरेस्टिंग साइंस गोल हैं और इन्हें कई पार्टनर्स के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, और आज के वीडियो में हम इसे डिटेल से जानेंगे। साथ ही ये भी कि इस मिशन के लिए यीस्ट को ही क्यों चुना गया है। सो हेलो मैन, आई एम एस्ट्रोमैन। इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर बायो सेंटिनल मिशन ऑफ नासा एंड व्हाट मेक इट यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पेस मिशंस। बायो सेंटिनल एक लो कॉस्ट क्यूबसेट मिशन है जो यीस्ट को अर्थ के ऑर्बिट से बियॉन्ड डीप स्पेस में ले जाकर रेडिएशन का लॉन्ग पीरियड तक डीएनए पर क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज को मेजर करने वाला है। यह एक एस्ट्रोबायोलॉजी मिशन है। इसे आर्टमिस 1 के सेकेंडरी पेलोड के लिए सेलेक्ट किया गया था, जिसे अगस्त 2022 में आर्टमिस मिशन के साथ ही मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम से 18 महीने के मिशन के लिए लॉन्च किया जा रहा है। बायो सेंटिनल मिशन काफी इंपॉर्टेंट मिशन है टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म ह्यूमन एक्सप्लोरेशन। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर स्पेस रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है इसे पहले ही बता देगा, जिससे हम काफी अवेयर हो जाएंगे इन सभी चीजों को लेकर। हम ऐसे स्पेस क्राफ्ट को डिजाइन कर सकेंगे जो स्पेस रेडिएशन को एडेप्ट कर सकेगा एंड एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी स्पेस शिप एंड ह्यूमन को सेफ रख सकेगा। ये मिशन कॉस्मिक रे का हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है और डीप स्पेस इन्वायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या प्रभाव होता है इस चीज को काफी डिटेल से मेजर करेगा। ये काफी जरूरी भी है क्योंकि फ्यूचर में हम एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन के लिए अर्थ से काफी दूर दूर तक भेजने वाले हैं, जिसमें स्पेस रेडिएशन से एस्ट्रोनॉट्स के हेल्थ के खराब हो जाने का खतरा बना रहेगा। लेकिन अगर हम इन सभी चीजों से पहले ही अवेयर रहेंगे तो हमारे पास काफी सारे रास्ते होंगे। अब किसी भी मिशन का साइंस गोल ही उसे दूसरे मिशनों से अलग बनाता है, और इस मिशन का साइंस गोल तो सबसे अलग है। द प्राइमरी गोल ऑफ दिस मिशन इज टू डेवलप अ बायो सेंसर इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट एंड मेजर द इम्पैक्ट ऑफ स्पेस रेडिएशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट। स्पेसक्राफ्ट के डेवलपमेंट की बात करें तो इसका मैन्युफैक्चर एंड डेवलपमेंट एम्स रिसर्च सेंटर कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, जोहानसन स्पेस सेंटर एंड मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर। अब इसके साइंस मिशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पेस में इन पर रेडिएशन की वजह से जो चेंजेस आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो भाई, इन सेल्स को एक माइक्रोफ्लूइडिक कार्ड के अंदर स्टोर किया गया है, जहां पर इनके चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए इस पर एक बायोसेंसर पेलोड को भी लगाया गया है। यीस्ट के सेल का ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी को 3 कलर एलईडी डिटेक्शन सिस्टम एंड मेटाबॉलिक इंडिकेटर के द्वारा मेजर किया जाएगा। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी चूज यीस्ट। और भी करोड़ों स्पीसीज थे हमारे अर्थ पर उन सभी को छोड़कर यीस्ट को ही क्यों चुना गया है? तो देखो भाई, यीस्ट इस मिशन के लिए एकदम परफेक्ट ऑर्गेनिज्म है। बिकॉज ऑफ इट्स स्पेस फ्लाइट हेरिटेज, वेल कैरेक्टराइज्ड जेनेटिक टूल एंड इट्स कैपेसिटी टू सर्वाइव स्पेस रेडिएशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यीस्ट का डीएनए डैमेज रिपेयर प्रोसेस हम ह्यूमन के डीएनए डैमेज रिपेयर प्रोसेस से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। और वैसे भी इस मिशन में जो 2 यीस्ट को स्पेस में भेजा जा रहा है वो जेनेटिकली इंजीनियर यीस्ट है। इन दोनों यीस्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर रेडिएशन से इस पर कोई नुकसान पहुंचता भी है तो ये खुद को रिपेयर कर सकेगा और लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन को सरवाइव कर पाएगा। काफी चांसेस है कि आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे इस मिशन को लेकर। मेरे वीडियो पर लाइक दो या नहीं दो, पर इस मिशन को एक लाइक जरूर देना अगर मिशन पसंद आया हो तो।
और इसी तरह से फ्यूचर में होने वाले स्पेस मिशनों के बारे में जानने के लिए स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल बाय क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन। और हाँ, आर्टेमिस 1 के साथ सिर्फ बायो सेंटिनल मिशन को ही नहीं लॉन्च किया जा रहा है, इसके साथ 10 और स्पेस मिशनों को स्पेस में भेजा जा रहा है। तो अगर आपको उनके बारे में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। भगवान आपको वो सब दे जो आप चाहते हो।